प्रो गैंग, ये बड़े से ब्रह्मांड में एक छोटा सा गोला है जिसे हम धरती बुलाते हैं, और उसी धरती के एक छोटी सी जगह पर एक कहानी बसी है जहाँ नौकरी से ज्यादा लोग हैं, जहाँ ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं होते, जहाँ पकवान के नाम पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। हाँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ बेटा पैदा होते ही बोलते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, समझी? नहीं, मैं डॉक्टर बनाऊंगी इसको, बहुत बड़ा वाला। तो आ जाओ, आज मैं तुम लोग को मेरे मम्मी डैडी के ऊपर कुछ किस्से सुनाने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने घर की देवी यानी अपनी प्यारी माता श्री के ऊपर। तो एक दिन मैं गया बूची के शॉप में अपने लिए कपड़े खरीदने, और वहां पर मुझे क्या दिखता है, एक लाल कलर का केप। उसे देख के मुझे प्यार हो गया था, तो मैंने आंख बंद करके उस केप को लिया और चला गया उसे खरीदने। भैया जल्दी से ये वही केप खरीदना है मेरे को, कितने का है जल्दी बताओ। बेटा ज्यादा महंगा नहीं है, बस 1,00,000 रुपए का है। एक लाख काफी सस्ता है ना, चुपचाप सस्ते में दो, इतना महंगा बेच रहा है, कम करो प्राइस। ए बेटे ज्यादा मारामारी मत करा, ये बहुत महंगा सामान है, ठीक है? क्वालिटी पे पता है तुझे? ए आप ज्यादा अपनी जबान मत चलाओ, वरना मैंने अगर अपना ब्रह्मास्त्र यूज कर लिया ना तो फिर तो आप गए काम से। कौन सा ब्रह्मास्त्र? देखो बेटा ये चीज जो क्वालिटी ना, बहुत खतरनाक क्वालिटी है इसकी, भाई गुच्ची का माल है भाई, इतने सस्ते में तो देने नहीं वाला आपने। तो मतलब आप नहीं मानोगे? और किसी लैंग्वेज में तुझे समझाऊं? अच्छा ठीक है फिर। ये पैसे कम नहीं कर रहा है क्या? कौन सा कपड़ा चाहिए तुझे? ये वाला मम्मी। कितने का? 1,00,000 का बोल रहा है ये यार। 1,00,000? 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं पता भी देखो। पता तो नहीं है बट 1,00,000 का भाई। हाँ 1,00,000 का है आंटी। हाँ छोड़ू क्या तेरे को, अरे कम करो यार, इतना सड़ा कपड़ा का 1,00,000 रुपया क्या? ऐसे करोगे तो मैं नहीं लूंगी। बेटा तेरा कपड़ा देखती हूँ कैसा है, मैं भी तो देखूं। ये क्या कपड़ा है? ये इतना घटिया कपड़ा चाइना से लाया क्या? हाँ नहीं तो चाइना से मांगा था, देखो इसको। बटन देखो कितना घटिया क्वालिटी का है। पुलिस को बुलाऊंगा। धोगी तो कलर भी निकल जाएगा, कैसा माल है ये? नहीं ना मैं भी तू अथू सुकड़ उड़ जाएगा कपड़ा। 1,00,000 का बेचता है, थोड़ा डिस्काउंट दे। बहन जी ऐसा नहीं होता, बहुत महंगा माल है, बूची का माल है, ऐसा नहीं होता। ये देखो बटन बिगड़ गया। अरे चाइना माल क्या था? नहीं आंटी आपने कुछ तो जरूर जोर से खींचा रहे, इसे टूटता रहे, ऐसा टूटता नहीं, हम लोग का माल ऐसा सस्ता नहीं है। छोड़ बाजार से लाते हैं। ठीक है बहन जी मैं आपको 90,000 में देता हूँ, चलेगा ना? चुपचाप 900 में दो। बहन जी ऐसा नहीं होता, इसलिए सस्ते में नहीं देते हम। 800। अरे हेलो कौन है ये लोग? हेलो 700। बहन जी ऐसा नहीं होता, बहन जी इतना सस्ते में नहीं दे सकते। ठीक है ले चाहिए तुम्हारा घटिया माल, रखो थोड़ा तो खा दे। मम्मी बट मम्मी प्लीज यार, चल ना फटे हुए कपड़े पहनता हूँ, प्लीज मुझे वो चाहिए केप। बेटा समझे नहीं क्या अब तक? तुम बस देखो वो कैसे पीछे से आवाज देगा। अच्छा 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 प्लान ठीक है, चल ठीक है ठीक है चल बेटा चल। बहन जी बहन जी बहन जी रुकिए रुकिए रुकिए, 50,000 में लास्ट ऑफर हो 200। ठीक है बहन जी ले लीजिए, अभी क्या हो रहा है, फाड़ तो दिया आधा कपड़ा। ए मिला ना ये, आप बात है मम्मी, आप तो गॉड हो गॉड। बस ये थे 200 रुपए। यार लगता दूसरे घंटे में दुकान बदलना पड़ेगा, तो बारगेन में मुझे नूब बना, नूब हूँ मैं यार। ओ भाई साहब क्या केप लाया है मैंने, मजा आ गया यार, सुपर हीरो लग रहा हूँ एकदम। कैसे यार मैं चश्मा खा गया, चश्मा कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल क्यों नहीं रहा है? इसमें भी नहीं है। मम्मी चश्मा कहाँ है? आज इस बार तो मम्मी को बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, मैं ही ढूंढूंगा आज तो, कैसे ना कैसे करके। कोई ढी ये क्या होते अभी भी नहीं है, कहाँ हो सकता है ये? यार लगता है अभी मम्मी को भी बुलाना पड़ेगा। मम्मी यार क्या मम्मी, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है कब से, कहाँ पे रख देते हो पागल की तरह, चश्मा दो मेरा, मैंने तो अपने जगह पे रखा था ना यार। चश्मा कबाट में ही तो रखा है, अंदर क्या? नहीं है मम्मी यार, बहुत ढूंढ लिया मैंने। अगर मुझे मिला तो तवा तलवार कुल्हाड़ी सैमुअल की छड़ी से मारूंगी। मम्मी इतने सारे वेपन बटन नहीं है यार, सच बोल रहा हूँ मैं, आ जाओ मैं ढूंढती हूँ। अगर लेकिन नहीं मिला ना तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा 2 दिन। हाँ चलो ढूंढ के दिखाओ अभी। मैं
खुलना पड़ रहा है, कैसे कैसे चलेगा? चश्मा इस कबूत में पड़ा रहता है यार, ये क्या? ये कहाँ से आ गया? सॉरी मम्मी, मारो मत यार। कितने बार बोला है, सामान एक जगह रख, समझ आता। लेकिन मम्मी लोग के पास सिर्फ यही एक शक्ति नहीं है, उनके पास एक और शक्ति है जिसका नाम है घी शक्कर का जादू। चलो मम्मी, जा रहा हूँ मैं स्कूल में, केप दिखाऊंगा सबको। क्या हुआ? ये लो घी शक्कर। अरे नहीं खाना, नहीं खाना ना, नहीं खाना ये। खा लिया ना बस, ठीक है जा रहा हूँ। जब मैं एग्जाम देने जाता था तब भी दही शक्कर खिलाती थी। जब मैं गैंग फाइट में जाता था तो भी मम्मी मेरे को दही शक्कर खिलाने आ जाती थी। जब मैं बाथरूम जाता हूँ तब भी दही शक्कर खिलाती है मेरे को। दही शक्कर खाके लेकिन फिर एक दिन मेरे को ये दही शक्कर बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, तो मैंने मम्मी से कहा, दही शक्कर खाके कार चला बेटा। अरे नहीं खाना मेरे को दही शक्कर। अरे बेटा खा ले, खा ले यार, बिना खाए मत जा। दही शक्कर, दही शक्कर, मेरे खून के जगह भी दही जम गया है, प्लीज मेरे को छोड़ दो मेरे को। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? मम्मी बचाओ, मम्मी मैं मरने वाला हूँ। बेटा तुझे बोला था ना, दही शक्कर खा के जा, हो गए अपशगुन, ये ले अभी खा ले दही शक्कर। जिंदा हो गया मैं? मम्मी जिंदा कैसे हो गया मैं? दही शक्कर का कमाल है बेटा। अरे मम्मी आप बेस्ट हो यार, लाओ ला पूरा कटोरा लाओ, मैं कटोरा भर के खाऊंगा। तो चलो ये तो हो गए अपने मम्मी के किस्से, लेकिन अभी आती है अपने पिताश्री की बारी। ए, क्या पूरे दिन सोता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? अरे पापा सोने दो ना, थोड़ा सा मेरे घुटनों में हार्ट अटैक आया है, दुख रहा है। बेशरम ना लायक, मारते क्या हो? तो सोने दो ना। उस टाइम पे पापा को देख के मेरी इतनी ज्यादा फटी थी ना कि मेरी जीभ बिना सेंटर फेस के लगभग आने लगी। और यहाँ अब चालू होने वाला था पुराना जमाना जिसका नाम था हमारा जमाना। ओ सुनती हो, देखो तुम्हारा लाल क्या बेशरम बन चुका है, कितना बहाने मार रहा है। स्कूल तो जाना नहीं है, बस मेरे पैसे उड़ाने, बहुत ही मजा आता है इसको करने में। Here we go again. रोल कैमरा एक्शन पापा। हमारे जमाने में मैं 50 पैसे कमाता था। सिर्फ 50 पैसे? उसमें से भी मैं 20 पैसे बचाता था। और इस नालायक को देखो, 300 रुपए की कॉफी पीनी है। तू भी पीता है ना कॉफी? तू भी पीता है ना? नालायक हंसता क्या? जब मैं स्कूल जाना निकलता था तब बारिश के मौसम में ना ही हमारे पास छतरी ना ही रेनकोट होता था। क्या बात कर रहे हैं पापा? तब भी हम स्कूल टाइम पे पहुंचते थे। लेकिन पापा मेरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, बस भी नहीं आई है, मैं कैसे जाऊंगा? 2 किलोमीटर? हमारा स्कूल तो पूरे 200 किलोमीटर दूर हुआ करता था। अरे तुम क्या दूसरे स्टेट जाते थे क्या पढ़ने के लिए? हिमालय पर्वत में जाता था मैं। पापा 5-6 दिन का खाना पैक करके जाता था। अरे बाप रे, मैं पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार होकर जाता था, समझे? ऐसा लगता था कि ये मेरी जिंदगी नहीं, निंजा हथौड़ी का थीम सॉन्ग हो। अरे पापा आप कितना मेहनत करते हो यार। गाइस लाइक ठोक दो यार प्लीज यार। पापा की इतनी दुख भरी कहानी सुनकर मेरे आंखों में नींद आने लगी और मैं वहाँ पर सो गया। क्या पापा यार कितना फेंकते हो आप। ओए सुनती हो, कैसा बच्चा पैदा कर रहे, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो ये तो बस एक किस्सा था मेरे पापा का, अभी मैं तुम लोगों को और कुछ किस्से सुनाता हूँ। तो ऐसे ही एक दिन मैं भेलपूरी खा रहा था और तभी मुझे ये क्या दिखता है, तो मुझे मेरे पापा दिखते हैं पड़ोसी वाले अंकल के साथ। और शायद तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो अभी क्या होने वाला है। भाई तुम्हें यहाँ पे कभी देखा नहीं, नए आए हो क्या? हाँ सर, कुछ 4 दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुआ। अच्छा तो ये बताओ जरा, तुम करते क्या हो यार, दिखने में तो नल्ले दिखते हो। मैं कुछ नहीं करता क्योंकि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और बस जैसे ये बात मेरे कानों में पहुंची, मैं समझ गया कि अभी शो टाइम शुरू होने वाला है। और मेरी ऑल टाइम फेवरेट कचौड़ी तो थी। देखो गाइस मैं शक्ल से इतना कमीना तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतने अच्छे मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। तो क्या तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती? पेड़ लगाए क्या पैसे का? हाँ देखो वो तो रहा। अरे भाई क्लीन मोल्ड। देखो वैसे तो मैं कभी टिंगे मारता नहीं, लेकिन चलो आज तुम्हें बता ही देता हूँ। क्या बात बताने वाला है? वो जो US में कच्चे बनियान बेचते हैं ना, वो सारी मेरी कंपनी से बन के जाता है। और तो मैं चाइना का सबसे बड़ा कॉकरोचेस का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और ऐसे ही काफी छोटी मोटी कंपनियां है मेरे पास, कभी टाइम मिलेगा तो तुम्हें बता दूंगा। ऐसा भी तो सुनियो का पापा है। अच्छा बेटे, वैसे आप क्या करते हो? ओ भाई साहब क्या क्लाइमेक्स है। मेरा कुछ नहीं,
बस छोटा मोटा टेस्ला कार का बिजनेस है। एंड क्या है ना, आजकल मैं रॉकेट भी छोड़ रहा हूँ, स्पेस में तो बहुत मजा आ रहा है। एंड मैं सोच रहा हूँ चाइना खरीद लूँ, बहुत पॉल्यूशन फैलाते, बदबू आता है, और तो और कुछ चूजे वहाँ पे कॉकरोच बेचने का धंधा करते। अरे बाप रे, क्या क्लीन बोल्ड क्या है टेस्ला, उसका मालिक तो इलोन मस्क है। अरे भाई साहब, ये क्या पूछ लिया, आप क्या जवाब मिलेगा? आपने कभी अंडरग्राउंड बिजनेस का नाम सुना है? हाँ हाँ सुना तो है मैंने। एक्चुअली मैंने इलोन मस्क को जॉब पे रखा है, समझ रहे क्या, वो मेरे पूरे बिजनेस को संभालता है। झुका कह रखा है मैंने उसको। यार पापा ने क्या तोड़ा यार, मजा आ गया। ए, किधर जा रहा है? मैं तो चलता हूँ यार, जा रहा हूँ। पेड़ पे उगाएगा पैसा ये। अबे यार इतना जल्दी खत्म नहीं करना था यार, छोड़ो अभी, वैसे कचोरी भी खत्म हो चुकी है, चलो निकलता व्यास से। तो उस थ्रिलिंग शो के बाद मैं चला गया अपने घर पर। घर पर आकर मैं ये क्या देखता हूँ, मैंने न्यूज में देखा कि हमारे चंपू नगर में एक UFO उतरा है। और ये न्यूज सुनने के बाद मुझे चिंता इस UFO की नहीं बल्कि मेरी चिंता होने लगी, क्योंकि चंपू नगर वो शहर है जहाँ पर मैं रहता हूँ और मुझे मेरी किस्मत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लगता है भगवान को इंसान कम पड़ गए थे, झूठे भी एलियंस को भेजा है मुझे परेशान करने के लिए। अरे छोड़ो यार, इसे तो चलता रहता है। इस बेटा दो 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 पापा, मम्मी मेरे दो दो पापा है। क्या तुझे पता चल गया, इतने साल से चीज छुपा के रखी थी वो तुझे पता? अरे मम्मी क्या बोल रहे हो, अरे मम्मी ये क्या हो गया, उठो मम्मी आप ऐसे नहीं मर सकते। तुम लोग की वजह से मेरी मम्मी बेहोश हो गई। बेटा उड़ा दूंगा बंदूक से तुम लोग को। सच सच बताओ कौन है मेरा असली पापा? बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ, ये नकली है। नहीं नहीं प्रो बॉयज, मैं असली हूँ, ये झूठा है। अबे ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा कौन असली है? लगता है वो एलियन मेरे घर में घुस गया है बहरूपिया बन के। क्या करूँ अभी? तो अब होगा सवाल जवाब। चलो बताओ मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? O पॉजिटिव। तो चलो बताओ मेरा जन्मदिन कब आता है? 26 मार्च। अरे ये भी सही जवाब। तो चलो, तो ये मेरा आखिरी सवाल, क्या तुम्हें जिंदगी में कभी भी प्राउड फील हुआ है कि मैं आपका बेटा हूँ? हाँ, मैं प्राउड फील करता हूँ। प्रोवाइज आई लव यू प्राउड, वो भी तुझ पे। मैं तो उसमें थूकना चाहूंगा। कॉलेज जाता नहीं है, ट्यूशन जाता नहीं है, खाना नहीं खाता, बस पैसे उड़ाने का काम करता है नालायक। मेरे पापा मुझ पे कभी भी प्राउड नहीं कर सकते। मैंने उस एलियन को तो मार दिया था और मेरी मॉम भी होश में आ चुकी थी, लेकिन मुझे आज तक वो सच नहीं पता चला जिसके बारे में मम्मी बात कर रही थी।